नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए भस्त्रिका प्राणायाम सही रीति से कैसे करना है उसके बारे में बताने वाली हूँ। ओके दोस्तों, ये प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव है, जिसे जो अस्थमा से गुजरते रहते हैं, जो लंग्स की प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, खास करके उनके लिए है। और एलर्जी, कफ, कोल्ड, सभी ब्रोंकाइटिस के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। ओके दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये प्राणायाम कैसे सही रीति से करना है, जो ये लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज भी होता है। ओके दोस्तों, सबसे पहले आप अपने कंफर्टेबल पोस्चर पे बैठिए और रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखिए। और अभी गहरा श्वास फोर्स के साथ श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर कीजिए और पाम्स को ओपन कीजिए। फिर उससे डबल फोर के साथ श्वास को बाहर छोड़िए। फिर फोर्स के साथ दोनों हाथ को ऊपर लीजिए। फिर डबल फोर्स के साथ हाथ नीचे। फोर्सफुली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करने का ये प्रक्रिया है। ओके दोस्तों, फिर मेरे साथ कीजिए, इनहेल एक्सहेल, 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 इनहेल एक्सहेल। दोस्तों, इसे कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों नॉस्ट्रल से श्वास को फोर्स के साथ बाहर अंदर लीजिए और उसके डबल फोर्स के साथ बाहर छोड़ना। ये हो गया हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। इससे शुरुआत में, शुरुआत जो कौन करते रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा एक सेकेंड, ये माइक्रो सेकेंड्स में आपको गिरीनेस महसूस होगा। तब आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तभी थोड़ा सा रेस्ट करके फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। ये लगातार 3 मिनट्स तो करना ही है। अगर आपकी क्षमता अच्छा है तो 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स तक भी आपका टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।